आपने बहुत बार सुना होगा ना डिप्लोमा कोर्स के बारे में। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि उसको डिप्लोमा करना है, ये वाला डिप्लोमा अच्छा है, वो डिप्लोमा उतना अच्छा नहीं है। और आपको लगता होगा कि डिप्लोमा क्या होता है, ये कौन सी पढ़ाई होती है, डिप्लोमा में क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको डिप्लोमा के बारे में जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि डिप्लोमा क्या होता है, डिप्लोमा कब करना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा कर लेता है तो अगर उसे जॉब लगी तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। डिप्लोमा क्या है, अगर हम आसान शब्दों में समझे तो डिप्लोमा एक तरीके का टेक्निकल कोर्स होता है, या किसी भी फील्ड में किया जा सकता है। बहुत तरीके के डिप्लोमा कोर्स होते हैं, इसकी ड्यूरेशन भी अलग अलग होती है। कोई 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स होता है, कोई 1 साल का होता है, कोई 2 साल का होता है, कोई 3 महीने का होता है। तो इसकी अलग अलग ड्यूरेशन होती है। और दोस्तों, जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, इसमें सबसे खास बात ये होती है कि आपको इसमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। थ्योरेटिकल भी आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि डिप्लोमा कई तरीके के फील्ड में किया जा सकता है। जैसे कि कंप्यूटर में आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो, आप फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में डिप्लोमा कर सकते हो, मेडिकल के फील्ड में डिप्लोमा कर सकते हो। तो बहुत सारे टाइप के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। जब आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से स्किल बेस्ड शॉर्ट टर्म कोर्स करते हो तो उसके बदले आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो इसे ही डिप्लोमा कोर्स कहा जाता है। अब बारी आती है जानने की कि डिप्लोमा कोर्स कब कर सकते हैं और कब करना चाहिए। देखो भाई, डिप्लोमा कोर्स करने का तो आप 5th क्लास के बाद भी कर सकते हो, 8th के बाद भी कर सकते हो, 10th 12th के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। लेकिन अगर इसको अगर सही टाइमिंग क्या है डिप्लोमा कोर्स करने की, तो दोस्तों अगर आपको डिप्लोमा कोर्स करना है ना, तो आप 12th के बाद ही डिप्लोमा कोर्स करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। करने को तो आप 8th क्लास के बाद भी कर सकते हैं, 10th के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो उतना फ़ायदा नहीं दे, क्योंकि जब आप 12th तक पढ़ाई कर लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता हो जाता है। उसके बाद अगर आप उस डिप्लोमा कोर्स को करते हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद भी होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि डिप्लोमा कोर्स किसको करना चाहिए। तो देखो भाई, 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वैसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है और उनको जॉब की ज़रूरत होती है। वो ऐसा सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी पढ़ाई करके किसी भी तरीके की जॉब मिल जाए ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो वैसे स्टूडेंट के लिए डिप्लोमा कोर्स बेस्ट हो सकता है। डिप्लोमा कोर्स करके आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो, प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हो। और जो दूसरे टाइप के स्टूडेंट होते हैं, वो होते हैं कि नहीं, उन्हें किसी बड़े पोस्ट पे ऑफिसर बनना है, उन्हें बहुत आगे पढ़ाई करनी है, उन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती कि उन्हें पढ़ाई करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उनकी फीस कैसे होगी, क्योंकि वो फाइनेंशियली वेल सेटल्ड होते हैं, तो उनको पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो उस तरीके के स्टूडेंट को डिप्लोमा का कोर्स नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि क्लास 12 पास करने के बाद ही आपको डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए। आप चाहो तो पहले भी कर लो, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन एक जो ज़्यादा जो बेनिफिशियल होगा वो क्लास 12 पास करने के बाद। लेकिन दोस्तों, अब बारी आती है कि क्लास 12 पास हमको करके अगर डिप्लोमा करना है तो 10th के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात तो आपको जिस भी फील्ड में डिप्लोमा करना है उसके अकॉर्डिंग आपको 10th के बाद सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको टेक्निकल फील्ड में डिप्लोमा कोर्स करना है, जैसे कि आगे जाके आपको पॉलीटेक्निक करनी है या फिर को आगे जाके कंप्यूटर के फील्ड में डिप्लोमा करना है, तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके का डिप्लोमा करना है तो आपको 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए। जी हाँ, 10th के बाद आप साइंस स्ट्रीम लेना। आप सभी को पता है कि साइंस में 2 ग्रुप होते हैं, मैथ्स ग्रुप होते हैं, बायो ग्रुप होते हैं, तो आपको मैथ्स ग्रुप लेना है। यानी कि आपके सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये आपके मेन सब्जेक्ट हो जाएंगे, उसके अलावा इंग्लिश और हिंदी या फिर और भी जो आपके स्कूल में ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि PCM तो कंपलसरी आपको अगर इन सारे फील्ड में आगे जाके डिप्लोमा कोर्स करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी ने डिप्लोमा किया है तो उसको जॉब लगेगी तो उसे कितनी सैलरी मिलेगी। देखो मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे एकदम क्लियर कट बात करूँगा, अगर आपने डिप्लोमा अपना ख़त्म किया है और अभी आप फ्रेशर हो तो आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, फ्रेशर जो होते हैं उनको इंडस्ट्रियल जो नॉलेज होती है वो नहीं होती, और कोई भी कंपनी फ्रेशर्स को ज़्यादा सैलरी नहीं देती है। लेकिन इसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। फ्रेशर्स हो तो पहले तो आपको सीखना पड़ेगा, आपने भी पढ़ाई करके, वो चीज़ अलग है, लेकिन काम करने का तरीका, दोनों में आपको आसमान ज़मीन का फर्क दिखेगा। तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से क्या काम होता है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। तो जिस तरीके से आपका काम में एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आप वहाँ पर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी,
तीसरी जगह जाओगे, आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो आपकी सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो टोटली डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे। देखो एक्सपीरियंस जो है ना वो तो समय के साथ आएगा, लेकिन जो नॉलेज है वो आप पढ़ाई के समय पे गेन कर सकते हो। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करो तो चीज़ें सीखो, सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनो, चीज़ें सीखो कैसे क्या होते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। स्टार्टिंग भले आपकी छोटी होगी, लेकिन उसके बाद आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप उतना ही आकाश की ओर उड़ते जाओगे और इस तरीके से आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया डिप्लोमा के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और उसके साथ साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।